कई बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है किरण धोड़ी और आज जो हम ये एयरप्लेन और ये वाला ड्रोन का जो है 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव बातें करने वाले हैं। तो चलिए, क्या है इसमें पॉजिटिव्स और क्या है नेगेटिव्स और इसमें क्या पॉजिटिव और नेगेटिव, वो चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है इसमें हमें ड्यूअल कैमरा मिल जाता है, मतलब एक 1080 और यहाँ पे 720 का जो कैमरा मिलता है और ड्यूअल कैमरा, और उस प्लेन में कोई भी कैमरा नहीं है, वो बहुत बेकार है। कैमरा है मेरे एरोप्लेन में 200 मीटर की रेंज है, उस ड्रोन में सिर्फ 100 मीटर की रेंज है। इसकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है दूर जाने की। वो एरोप्लेन बहुत 200 मीटर तक जा सकता है, तो ये हमारा जो ड्रोन हाइट में सबसे, मतलब उस एरोप्लेन से बहुत ही हाइट पे आराम से चला जाता है। ड्रोन में हाइट सबसे ज्यादा है, लेकिन इस एरोप्लेन में सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप है और सबसे कम टाइम में चार्ज फुल हो जाता है। So, एयरप्लेन का सिर्फ बैटरी बैकअप ज्यादा है, लेकिन ये ड्रोन जो इतना इजीली कंट्रोल हो जाता है कि छोटी सी छोटी जगह में मैं इजीली इसको उड़ा सकता हूँ, मतलब छोटे से घर में छोटी सी जगह पे भी आराम से फ्लाई हो जाता है। क्या हुआ, ड्रोन छोटी से छोटी जगह पर फ्लाई हो सकता है, पर मेरा ड्रोन फाइबर से बना है, इसमें ना के बराबर डैमेज होता है, कहाँ भी आप लेके जा सकते हो, नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा आपका। एयरप्लेन क्वालिटी के मामले में अच्छा है, लेकिन हमारा ये ड्रोन इजीली फ्लिप हो जाता है, मतलब बहुत से करतब आपको इजीली दिखा देगा, इसका स्पीड कंट्रोल, मतलब बहुत से करतब जो है ये इजीली दिखा देता है, उसके मामले में ये बहुत आगे है। क्या वो ड्रोन फ्लिप कर सकता है, लेकिन मेरा ये प्लेन पानी में भी चल सकता है, वो भी फुल्ली वाटरप्रूफ है। यार, एयरप्लेन वाटरप्रूफ है, लेकिन हमारा ड्रोन जो है इजीली फोल्ड हो जाता है, मतलब आप इजीली इसको कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं और इसका जो है इतना बड़ा जो बॉक्स है उसमें कैरी करके ले जाना पड़ता है, ये इजीली फोल्ड हो जाता है, इजीली आप कहीं भी कैरी कर पाए। आप इस प्लेन को 18 के नीचे उम्र वाले लड़के भी उड़ा सकते हैं और नो फ्लाइंग जोन में भी आप इजीली उड़ा सकते हो और ज्यादा परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है उड़ाने के लिए। फ्रेंड्स, अभी जो है इन दोनों के डिसएडवांटेज बोलने वाला है। फ्रेंड्स, ये जो है फाइबर का बना हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ एक माचिस जलाने से ये पूरा का पूरा खाक हो सकता है, और ये हैवी प्लास्टिक से बना है, तो इसको एक माचिस जलाने से मतलब इतना नुकसान नहीं होगा कि ये फ्लाई ना कर पाए, और ये जो है पूरा खाक हो जाएगा तो मतलब खत्म ही हो जाने वाला है। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है प्राइस टैग में, इस ड्रोन के 8,000 प्राइस में नए एरोप्लेन 3 आ जाएंगे, वो भी नए 3। फ्रेंड्स, इसको कितनी बार फ्लाई किया है, कितनी बार क्रैश हुआ है, लेकिन इसका पार्ट कभी भी गिरा नहीं है, और इसके वो कितनी बार फ्लाई किया और कितनी बार गिरा, तभी कोई ना कोई पार्ट इसका गिर के खो ही जाता है, मतलब इसको ढूंढना पड़ता है, वो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ये देखो, ये इसका सबसे, मतलब इसको प्रोटेक्ट करता है, लेकिन यही हर बार जो है गिर जाता है और इसको हर बार ढूंढना पड़ता है। इस ड्रोन का बैटरी बैकअप सबसे ज्यादा कम है और इसकी बैटरी की प्राइस अलग से न्यू लेने के लिए जाओगे तो सबसे ज्यादा है, और मेरा इस एरोप्लेन का बैटरी बैकअप सबसे ज्यादा है और इसकी बैटरी की प्राइस भी सबसे ज्यादा चीप है। इस ड्रोन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ये प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, इसको उड़ाने के लिए बहुत बड़ी स्पेस चाहिए, क्योंकि इसके कंट्रोलर्स इतने अच्छे नहीं है कि हम इजीली इसको कंट्रोल कर पाए, वो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लगा। कम से कम 200 से 300 मीटर की स्पेस हमको चाहिए तभी इसको उड़ा सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसका न्यू पार्ट्स लेने के लिए आप जाओगे तो इजीली आपको मिल भी पाएगा। सो फ्रेंड्स, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये बताओ, ये जो है चाइना में मैन्युफैक्चर होता है, मतलब चाइना में ये चाइना मैन्युफैक्चर है, जूम कीजिएगा, बहुत अच्छी तरह से बताने वाला हूँ। ये जो है इसके लिए चार्जिंग दिया हुआ है, मतलब ये चिप आपको मार्केट में वो मतलब मेमोरी का डाल के आपका मेमोरी लैपटॉप में डाले वो चीज़ नहीं है, ये चीज़ आपको इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा और तभी जो है ये बैटरी चार्ज होगी, मतलब बाई चांस अगर ये खो गया तो ये आपका बैटरी कभी भी चार्ज होने वाला नहीं है। ये इसका सबसे मतलब सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। इस ड्रोन का डिसएडवांटेज है कि 18 साल के नीचे आने वाले बच्चे इसको नहीं उड़ा सकते। इस ड्रोन से किसी को भी चोट लग सकती है
सो फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगा कि इसमें कौन से डिसएडवांटेज है और एडवांटेज है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको इसमें से कौन सा ड्रोन पसंद आया, और आप लोगों को ये ड्रोन की सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आगे दूसरे ड्रोन ला पाए। सो फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, एक सेकंड रुक जाइए, आपको जो है ये ड्रोन मिल सकता है। आपको जो सिर्फ इस वीडियो में पार्टिसिपेट होना है, कमेंट बॉक्स में जो सॉरी डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिलेगा, वहां से आप वो वीडियो देख के आप पार्टिसिपेट हो पाएंगे। मतलब वीडियो में ये ड्रोन आपका हो सकता है 1000 सब्सक्राइबर पे इसका वीडियो भी हो रहा है। मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।